यस भाभी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप सभी का इस शानदार और एक खूबसूरत से इवेंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नाम है मिसेस नीता भार्गव। अगर मैं अपनी मोदी केयर की जर्नी के बारे में बात करूं तो उसको शुरू किए हुए मुझे 4 साल होने वाले हैं, और अगर मैं उससे पहले की जर्नी की बात करूं तो वो भी ठीक ठाक चल रही थी, आसान थी, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी चलने का नाम जिंदगी जीना नहीं होता, क्योंकि जिंदगी चलाते चलाते जो सपने थे ना, वो कई अलमारी के कागज के नीचे दब गए थे। लेकिन जब से मोदी केयर शुरू किया, मोदी केयर जर्नी शुरू करी, मोदी केयर को जीना शुरू किया, तो दोस्तों उन वो जो हमारे सपने थे ना, वो कहीं अलमारी से निकल, कागज के नीचे से निकल के आसमान में हमारे सिर के ऊपर तैरने लगे। तैरने नहीं लगे, उनको तो पंख ही लगे, और अगले महीने उन उस पंखों को एक और उड़ान देने की तैयारी है। दोस्तों, आज की अगर मैं हमारे ट्रेनर की बात करूं ना, तो उनका नाम सुनते ही ना हमारे सबके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमारे चेहरे की चमक बढ़ाने नहीं आती, हमको ये सिखाने आती है कि दूसरों के चेहरे की चमक को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और दूसरों को हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और उसके साथ जब मोदी केयर के प्रोडक्ट का साथ हो, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा होता है। आइए दोस्तों, हम सब मिलके हमारी पिंकी अंसारी जी का तालियों के साथ स्वागत करते हैं, और ना सिर्फ अपने चेहरे की चमक बढ़ाते हैं, और ये भी सीखते हैं कि हम बहुत सारे लोगों की चेहरे की चमक कैसे बढ़ा सकते हैं। ओवर टू यू पिंकी जी। थैंक यू सो मच मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। आई होप माय स्क्रीन इज ऑडिबल एंड आई एम ऑडिबल, माय स्क्रीन इज विजिबल, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम अगेन कनेक्टिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी टूडेज सेशन, बिकॉज ऑल अबाउट मेकअप एप्लीकेशंस। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में बहुत सारी न्यू लॉन्चेस हुए हैं अर्बन कलर कैटेगरी में, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स, और एक ये सही टाइम है जहां हमें अपने इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो, ताकि जब हम नवरात्रों के लिए रेडी हो रहे हैं, जब हम दुर्गा पूजा के लिए रेडी हो रहे हैं, या भी बहुत जल्दी ही दिवाली आने वाली है, तो इन फेस्टिवल्स में हम अपने कैसे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं विद अर्बन कला मेकअप विद आर न्यू प्रोडक्ट्स। तो आज उस पूरे प्रोडक्ट को हम लाइव डेमो के साथ सीखेंगे। तो आज मैं अपने ऊपर तो मेकअप नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना हम आपके लिए एक मॉडल लेकर आए जिनके ऊपर हम ये सारे लुक्स करके दिखा सके। तो आज का जो पूरा मेकअप रहेगा, ये पूरा पार्टी लुक रहेगा, क्योंकि पार्टी लुक में हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम थोड़े थोड़े ग्लिटर्स ऐड करें, हम थोड़ा सा अपने मेकअप में कुछ नया लेकर आए, कुछ ग्लॉस एक दिखे फेस के ऊपर। तो बहुत सारी क्रिएटिविटीज मैं आज आपके साथ करूंगी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब अपने टीम को फटाफट इन्वाइट कर लें, क्योंकि हो सकता है शायद आज अगर ये मीटिंग आपने मिस कर दी तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, बिकॉज मेकअप वुमेन के लिए एक सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है, फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, जिसे सीखना चाहती हैं, सिखाना चाहती हैं। तो विद दिस मैं अपनी मीटिंग को आज स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले मैं अपना बैकग्राउंड रिमूव कर देती हूँ, ताकि हम एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देख सके। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, और मैम आप मुझे प्लीज स्पॉट को होस्ट कर दीजिए। ओके मैम, आप को होस्ट हैं। थैंक यू, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव माय बैकग्राउंड। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग, और इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम अपना पूरा मेकअप लुक रेडी कर सकते हैं। तो मैं अपने मॉडल को इनवाइट करने वाली हूँ फटाफट आपके सामने, ताकि हम अपने स्टेप्स को बिल्कुल भी मिस ना करें, लेट ना करें स्टार्ट। तो लेट्स इन्वाइट, आज मैं बहुत दूर से ट्रेनिंग कर रही हूँ, आज मैं वाराणसी आई हूँ एमएलसी में, जहाँ आज हमने बैक टू बैक टू सेशंस किए हैं फुल डे। तो एक मॉडल मैंने पहले से चूज करके रखा है, सो साधना प्लीज वेलकम।
आज मेरे लिए मॉडल बन रही है सामना, सामना का मेकअप अभी कुछ भी फेस पे उन्होंने यूज नहीं किया है, तो हम इनके फेस पे एक कंप्लीट लुक क्रिएट करेंगे, पार्टी लुक। तो मैम मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, प्रॉपर यस मैम, आपका थोड़ा सा फेस पिक्चर? कट हो रहा है, बाकी मॉडल जो है मैम अच्छे से दिख रही है, बट आपका ओके फेस हाफ कट हो रहा है। यस नाउ बेटर, इट्स बेटर। यस यस परफेक्ट मैम, परफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जब भी हम मेकअप करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स ही डायरेक्ट यूज ना करें, आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। तो आपने लास्ट काफी सारे सेशंस में सीखा कैसे हम अपनी स्किन हेल्दी कर सकते हैं, तो आज बिफोर मेकअप हम सबसे पहले अपनी स्किन की केयर करेंगे। और सिर्फ बिफोर मेकअप ही नहीं, जब आप अपना मेकअप रिमूव करते हैं उसके बाद भी अपनी स्किन केयर जरूर करें, ताकि आपकी स्किन पे जो भी कॉस्मेटिक्स लगाया आपने वो अच्छे से रिमूव हो जाए और फर्दर आपकी स्किन को किसी भी तरह की आपके मेकअप प्रोडक्ट से डैमेजेस ना हो, और इसीलिए CTTMP बहुत जरूरी होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ हमारी मेकअप मेल्टिंग वाइप्स। इस वाइप्स को आप अपने एंटायर मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसे क्लेंजिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये वेट वाइप्स है, काफी इजी टू यूज होता है, एक क्विक मेकअप रिमूवर प्रोडक्ट, क्विक सॉल्यूशन हमारे लिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले इनके फेस की दोबारा से क्लेंजिंग कर रही हूँ, ताकि फेस पे कुछ भी अगर इम्प्योरिटीज हैं या किसी तरह की इन्फेक्शंस, कई बार बैक्टीरियाज आ जाते हैं जिसपे आप डायरेक्ट मेकअप शुरू नहीं कर सकते, तो आप अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करें, हाइजीन स्किन को रखना बहुत जरूरी है। आप मेकअप नहीं भी करते तब भी अपना अगर बेसिक स्किन केयर भी फॉलो करते हैं तो इससे आप अपनी स्किन हेल्थ बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैम ने बहुत थोड़ा फाउंडेशन लगाया है जो अभी हमने बिल्कुल निकाल दिया है, तो एक निल फेस है इनका। क्लेंजिंग के बाद हम करेंगे स्किन की टोनिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, अभी ह्यूमिड क्लाइमेट है और ऐसे सीजन में हमारी स्किन बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है, सो स्किन की डिहाइड्रेशन ना हो और आपका स्किन हेल्दी ग्लो करे इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस्ट, जिसको आपने सिर्फ स्प्रे करना है 2 से 3 बार और इसको अच्छे से सेटल होने दें। जितने अच्छे से ये अब्सॉर्ब होगा उतना ही बेस्ट आपका मेकअप स्टे करता है लंबे समय तक, आपकी ओवरऑल स्किन की जो मेकअप का जो ग्लो आप एक्सपेक्ट करते हैं विद मेकअप वो बहुत अच्छे से आता है। तो जितना बेस्ट हाइड्रेशन आप अपनी स्किन को देंगे उतनी ही हेल्दी आपकी स्किन रहेगी। सो आफ्टर क्लेंजिंग टोनिंग अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हमारी न्यू लॉन्च है स्किन केयर में ब्लू लाइट, जो आजकल बहुत ज्यादा स्किन को डैमेज कर रही है, तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है। इट गिव्स यू शील्ड टू योर एंटायर सरफेस ऑफ योर स्किन, जिससे कि आपके फेस पे अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप स्क्रीन के सामने अभी मेरी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, डेली हम रोज मीटिंग्स करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, स्पेशली ऑनलाइन जो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप इतनी मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, उससे डैमेजेस ना हो इसके लिए ब्लू लाइट यूज करेंगे। सो 1 ड्रॉप फोरहेड चीक्स एरियाज, गिव मी मिनट प्लीज। एंड सिरम को आप टैपिंग फॉर्म में करते हुए जस्ट वेरी जेंटली प्रोडक्ट को इमल्सिफाई करें, एंड आफ्टर ट्रीटमेंट नाउ नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। सो मैं यूज कर रही हूँ ब्लू लाइट मॉइस्चराइजर, शाम का समय है, आप इस मॉइस्चराइजर के बाद इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई सनस्क्रीन आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, और यू कैन स्किप, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि हम बाइक्स के बीच में है तो सनस्क्रीन जरूर ऐड करें। तो पी साइज अमाउंट आपको प्रोडक्ट लेना है, बैक ऑफ द हैंड दिस मच, और इसे हम पी साइज को डॉट्स में लेंगे और इसे अच्छे से स्किन पे अपवर्ड मोशन में मसाज करेंगे।
वेल मॉइस्चराइज रखें बिफोर मेकअप स्किन को, ताकि आपकी मेकअप की ब्लेंडिंग स्मूथ रहे, आपका मेकअप पैची ना लगे, क्योंकि कई बार जब हम मेकअप करते हैं तो इस सीजन में खास करके इतनी ज्यादा स्किन डिहाइड्रेट होती है कि कई बार हम मॉइस्चराइजर अक्सर स्किप कर देते हैं क्लाइमेट की वजह से, कि कहीं स्किन ऑयली ज्यादा ना हो जाए और उस वजह से हम अपनी स्किन को डिहाइड्रेट कर लेते हैं। तो आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें स्किन को और फिर इसके बाद हम अपने मेकअप प्रोसेस की तरफ चलेंगे। बट मैं भी सनस्क्रीन लगाती हूँ फेस पे ताकि अच्छी प्रोटेक्शन स्किन पे रहे। तो लेट्स अप्लाई श्लोका SPF 30 अगेन पी साइज में लेंगे प्रोडक्ट को डॉट्स में और इसे आप अपवर्ड मोशन में सिर्फ पूरे चेहरे पे फैला लीजिए। एंड रिमेम्बर वन थिंग, जब आप मेकअप करते हैं तो अपनी स्किन केयर और मेकअप में थोड़ा सा गैप दें, जैसे 1 से 2 मिनट या बेस्ट है कि 5 मिनट आप वेट कर लें, ताकि आपके फेस पे जो आपने स्किन केयर अप्लाई किया है वो अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो और आपका मेकअप स्मूथ रहे, आपका मेकअप परफेक्टली ब्लेंड हो सके। सो स्किन केयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। सो मेकअप में जो सबसे पहला प्रोडक्ट हम यूज करेंगे दैट इज प्रो सेल्फी प्राइमर। सेल्फी प्राइमर जो है ये आपकी स्किन के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है, एवरी डे हम यूज कर सकते हैं। ये आप देखें तो ये ट्रांसपेरेंट मेकअप है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसमें जेल है जो किसी भी स्किन टाइप, किसी भी स्किन कलर, किसी भी स्किन टोन पे हम रिकमेंड कर सकते हैं। एंड सबसे पहला जो मेकअप का स्टेप होता है, मेकअप प्रोडक्ट है, दैट इज प्रो सेल्फी प्राइमर। जो आपकी स्किन केयर जो हमने अभी कंप्लीट किया है, इसके बाद जो मेकअप हम यूज करेंगे, स्किन केयर और मेकअप के बीच में प्रोटेक्टिंग लेयर क्रिएट करता है, जिससे आपका स्किन केयर भी हेल्दी रहे। और मेकअप हम सिर्फ अपने सरफेस पे यूज करते हैं, हमें स्किन के अंदर मेकअप नहीं देना है, तो सरफेस पे लगाना है। सो इसलिए ब्लेंडिंग अच्छी रहे, मेकअप लंबे समय तक स्टे करे और आपका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस रहे, स्मूथ रहे, इसके लिए एवरी डे हम प्राइमर यूज कर सकते हैं। सो प्रो सेल्फी प्राइमर पी साइज अमाउंट में ले रही हूं, दिस मच इफ यू सी, एंड देन इसको फेस पे आपने जैसे हम नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाते हैं वैसे ही आपको प्राइमर यूज करना है। सो दिस इज आवर रीलॉन्च प्रो सेल्फी प्राइमर, जो आप ऑल सीजन किसी भी स्किन टाइप पे रिकमेंड कर सकते हैं एंड ये बहुत इजिली आपकी स्किन में अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। एंड ट्यूब इज वेरी नाइस, इट्स इफ यू लुक द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, इट्स वेरी प्रोफेशनल। ज्यादातर जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है दे लव टू यूज दिस प्राइमर। तो अगर आप भी अपना सलोन रन कर रहे हैं, आप अपना पार्लर रन कर रहे हैं और आप भी ज्यादातर मेकअप करते हैं, तो कीप दिस प्राइमर, जो आपको काफी मेकअप में एक अच्छी ब्लेंडिंग में हेल्प करेगा। प्राइमर के बाद नेक्स्ट हम यूज करेंगे हमारे फेस के जो फ्लॉज होते हैं, जो छोटी छोटी कमियां हमारे चेहरे पर होते हैं। अगर मैं अपने मॉडल का फेस देखो तो शी हैज वेरी लिटिल डार्क सर्कल, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है बट हल्के डार्क सर्कल्स हैं, थोड़े से फ्रेकल्स के स्पॉट्स दिखाई दे रहे, जिसको कंसील करने के लिए मैं ब्लेंडर की हेल्प से यूज कर रही हूँ कंसीलर। और कंसीलर में जो शेड मैं ले रही हूँ यहाँ पे, इनकी स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड, लेट्स सी कौन सा शेड जाएगा। वैसे ये नंबर 3 इज परफेक्ट स्पाइस, जो इनके स्किन से बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो मैं ब्लेंडर में बस ऐसे थोड़ा सा लेते हुए प्रोडक्ट को, आप इसे डायरेक्ट फिंगर से भी यूज कर सकते हैं बट ब्लेंडर से मेकअप इजी रहता है। एंड इफ यू वांट मोर कवरेज, ज्यादा कवरेज चाहिए, तो आप अपनी फिंगर से ले प्रोडक्ट और इसे इस तरह से टैप कर। एंड हल्के मोल्स हैं तो मैं यहाँ पे कुछ जहां जहां पे ब्राउन फ्रेकल्स दिखाई दे रहे इनके फेस पे, वहां पर भी मैं ऐड कर रही हूँ कंसीलर। पूरे फेस पे नीड नहीं है, जस्ट वेरी स्मॉल एरियाज जो मुझे कवर करने हैं वहां पे प्रोडक्ट लिया एंड ब्लेंडर से जस्ट इसे
ब्लेंड कर देना। नाउ अब इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी स्किन टोन को इवन करने के लिए। वैसे प्रो कंसीलर स्टिक अगर आप चेक करें, इसमें हमारे पास 4 शेड्स अवेलेबल है। 1 आई ब्लू स्पाइस, इसके अलावा पिंक टोन के लिए अगर आपका स्किन कलर टोन पिंक है और आपको एक अच्छा फाउंडेशन कंसीलर स्टिक चाहिए, यू कैन यूज नंबर 2 जिंजर। इसके साथ साथ वी हैव नंबर 4 आमंड, बहुत ही प्यारा शेड है। मैं आज आपको दिखाऊंगी इसे कंटूरिंग कैसे की जाती है, तो ये डार्क कलर बहुत काम आने वाला है कंटूरिंग के लिए, जिन्हें क्रीम कंटूरिंग अच्छी लगती है। आप हाइलाइटर के लिए अगेन नंबर 1 यूज कर सकते हैं बटर क्रीम। तो ये 4 शेड्स है, नंबर 1 बटर क्रीम, नंबर 2 जिंजर, नंबर 3 स्पाइस एंड नंबर 4 आमंड। तो ये 4 शेड्स है जिनका हम आज ज्यादा यूज करेंगे हमारे मेकअप में, फंक्शंस, पार्टी मेकअप में। ज्यादातर हमें हाई कवरेज मेकअप अच्छा लगता है, तो एक अच्छी कवरेज आपको मिलती है व्हेन यू यूज कंसीलर स्टिक। इससे पहले लेट्स अप्लाई फाउंडेशन। तो अभी हमारे लेटेस्ट जो फाउंडेशन लॉन्च हुए हैं, हाइड्रा मैट फाउंडेशन। हाइड्रा मैट फाउंडेशन का शेड देखते हैं कि कौन सा मैं आपके स्किन के लिए जाएगा। थोड़े थोड़े अमाउंट में लेके प्रोडक्ट को पहले टेस्ट कर लेती हूँ कि इनकी स्किन पे हम राइट कलर यूज किया। अभी सबसे पहले मैंने लिया शेड नंबर 1 पेल बिस्कॉटिंग, और इनकी स्किन के साथ ये परफेक्टली मर्ज हो रहा है। बट लेट मी ट्राई मोर शेड्स ताकि हम करेक्ट शेड इनकी स्किन को दे सकें। नंबर 2 एंड नंबर 3, ऑल्सो वी हैव नंबर 4। नंबर 5 बहुत डार्क हो जाएगा तो मैम के लिए भी यूज नहीं कर रही मैं नंबर 5। बट ये हम 1, 2, 3, 4 शेड्स में देखते हैं कि कौन सा शेड इनकी स्किन से मैच होगा। 1 हमने अप्लाई किया, 2nd इज गोल्ड, 3rd है आपका बिस्क, एंड लास्ट कलर वी हैव नंबर 4। अगर आप बहुत ध्यान से देखें फेस पे जो शेड्स हमने यूज किए हैं, इनमें से सबसे क्लोजेस्ट आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। थोड़ा सा मैं मॉडल को आगे कर रही हूँ ताकि आप कैमरे में देख सकें, एंड टेल मी क्विकली कौन सा शेड इनके लिए परफेक्ट जा रहा है, जल्दी से देखिए और बताइए। ओके, शुभांगी ने बोला है नंबर 2। लेट्स सी कितने लोगों को लगता है नंबर 2 जा रहा है स्किन से, जल्दी 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 राइट इन द चैट बॉक्स। 1 अर्शिया, नंबर 2 राधा ने भी बोला है, 2, 3 मिक्स कर दें। ओके, मतलब एक एक शेड नहीं लग रहा है, 2, 3 मिलके बना सकते हैं नया कलर। शायद कैमरे में आपको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, बट इट्स टू डार्क फॉर हर। मैं अगर यहाँ पे अपनी लाइट ऑन करूँ, फ्लैश लाइट, तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी, क्योंकि कैमरे के सामने तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। बट अगर आप देखें तो ये बहुत डार्क शेड है नंबर 2, ये बिल्कुल भी इनकी स्किन से नहीं मैच करेगा। देखिए बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। तो जहां तक मैं देखूं कैमरे के अकॉर्डिंग, बहुत लोग नंबर 1 बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, नंबर 1 इज द राइट शेड जो इनके लिए जाएगा। तो हम नंबर 1 ही अप्लाई करते हैं मैम की स्किन के लिए। यस, यू आर राइट अर्शिया, परफेक्ट, ग्रेट। ऐसे ही हमारे ग्रेट मोदी केरियंस जो अपने मेकअप को करेक्ट चूज करते हुए आगे शेयर करते हुए हमारी जो फाउंडेशन है उनकी सेल बहुत अच्छी करते हैं। तो वेल डन जितने भी लोगों ने नंबर 1 बोला है करेक्ट। पहले मैं अपने मॉडल को फिर से थोड़ा सा पीछे लेती हूँ और हम अप्लाई करेंगे दिस न्यू फाउंडेशन। और आजकल देखिए पार्टी मेकअप की बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि मेकअप आपका ग्लो भी करे। तो इसके लिए ये जो फाउंडेशन मैं ले रही हूँ, ये हाइड्रा मैट फाउंडेशन है जिसमें ये वाटर बेस है, तो बहुत ज्यादा आपको वो जो ग्लॉसी इफेक्ट है वो आप बिल्ड करने के लिए इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दें ये इल्यूमिनेटिंग लोशन। तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ इल्यूमिनेटिंग लोशन, मिक्स कर रही हूँ, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करके देन हम इसे फेस पे यूज करेंगे ताकि कवरेज अच्छी आए और उसके साथ साथ आपका मेकअप हेल्दी ग्लो करे। तो आप इसे अपने फेस पर जस्ट डायरेक्ट ले फिंगर टिप से, और जस्ट यूज ऑलवेज ब्लेंडर, आसान होता है, ब्लेंडर से मेकअप कभी भी आपका एक्सेस नहीं लगता। और बहुत हल्के हाथों से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ,
ताकि प्रोडक्ट अच्छे से इवनली ब्लेंड हो जाए. सी दी कवरेज, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा फेस क्रीन चेक करो, इफ यू सी दिस साइड एंड दिस साइड, एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है. समर्स के लिए बहुत अच्छा है मैट फाउंडेशन. इस क्लाइमेट की बात करें जहां पसीना ही पसीना आता है फेस पर, स्किन बहुत जल्दी आपको ऑयली लगती है, तो आप हाइड्रा मैट फाउंडेशन यूज कर सकते हैं. वाटर बेस है, मैट फिनिश ऐड करता है स्किन पे. बट अगर आपको लगता है कि आप मैट फिनिश के साथ साथ एक हल्की सी ग्लो चेहरे पे चाहते हैं, तो आप जिस तरह मैंने अभी इल्यूमिनेटिंग लोशन इसमें मिक्स किया है, वैसे ही आप इल्यूमिनेटिंग लोशन को मिक्स करके फेस पर अप्लाई कर सकते हैं. तो ब्लेंडिंग इज वेरी वेरी नाइस. प्रोडक्ट बहुत इजीली स्किन में ब्लेंड हो जा रहा है. हम बहुत ज्यादा कवरेज नहीं दे रहे क्योंकि स्किन ऑलमोस्ट काफी क्लियर है. इट्स जस्ट दैट मुझे स्किन को इवन टोन देना है, तो मैं अपनी स्किन की जो फ्लॉज है उसको कवर करते हुए इवन टोन मेंटेन कर रही हूँ. और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा आप अपनी ब्लेंडिंग को दें. जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी स्किन की, आपका मेकअप उतना ही परफेक्ट होगा. सो हाइड्रा मैट फाउंडेशन आपको 5 शेड्स में अवेलेबल है. आप अपनी स्किन टोन नियरेस्ट एमएलसी में विजिट करके शेड्स चूज कर सकते हैं कि कौन सा शेड आपकी स्किन टोन के साथ मैच होगा. जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा साधना की स्किन पर जो फाउंडेशन शेड है, दैट्स नंबर 1, परफेक्टली जा रहा है. एंड मैं नेक एरिया पे भी अप्लाई करूं ताकि फेस एंड नेक अच्छे से इवन रहे. बहुत बार होता है कि हम जब मेकअप करते हैं तो नेक एरिया, ईयर एरियाज अवॉइड करते हैं, जिससे कि आपका फेस, नेक, स्किन कलर एंड ईयर स्किन बिल्कुल डिफरेंट दिखता है. तो ट्राई करें कि आप मेकअप को सिर्फ फेस तक ही नहीं, बल्कि आप जितना एरिया आपका ओपन है वहां तक आप मेकअप को ब्लेंड करें. इस वजह से यहाँ पे हल्का सा एक स्पॉट है, कंसीलर स्टिक लेंगे और इसको हम अच्छे से कंसील करते हैं. आप ऐसा अगर नीडेड लगे देन आप फाउंडेशन के ऊपर भी हल्की सी कंसीलिंग कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर. ओके, वी आर डन विथ फाउंडेशन एप्लीकेशन. अब इसके बाद हम यूज कर रहे हैं हमारा न्यू अगेन रीलॉन्च प्रोडक्ट अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट, जो कि एक न्यू पैकेजिंग में है. और ये जो शेड मैं यूज कर रही हूँ नंबर 2 फॉर हर स्किन, और इसे यूज करने के लिए पाउडर से इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ना आए पाउडर बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने हाइड्रा मैट फाउंडेशन यूज किया है. मैट फाउंडेशन से स्किन ऑलरेडी बहुत मैट हो जाती है और उस पर अगर बहुत ज्यादा पाउडर ऐड करेंगे तो स्किन और ज्यादा आपको ड्राई लगेगी, मैटिफाई लगेगी. तो इसलिए आप पफ अवॉइड करके सिंपली ब्रश से अप्लाई करें. अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, बहुत स्वेट आता है फेस पर, देन डेफिनेटली आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं विद पफ. तो बहुत लाइट पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ. ओके, ना इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे आई मेकअप और फिर इसके बाद हम करेंगे कॉन्टोर एंड हाइलाइटर. तो कॉन्टोर आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ हमारी जो अभी ग्लिटर स्टार डस्ट आई शेडोज है. उससे पहले इन्होंने जैसे ड्रेस वेयर किया, इससे मैच करता हुआ शेड लेकर वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट शेड्स. सो मैं अभी यहाँ पे कलर यूज कर रही हूँ, मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है इनके अटायर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, दिस जिप्सी टील शेड. तो जिप्सी टील कलर लेके आप एक स्मूथ लाइन ड्रॉ करें और इसे जो आई शेडो की फ्लैट ब्रश है उससे मैं मिक्स कर रही हूँ. तो ये जो पेंसिल मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, ये पेंसिल्स क्रीमी टेक्सचर के साथ है, इसे आप लाइनर और एज आई शेडो दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. तो मैं सिर्फ अभी आई शेडो की तरह ही इसे यूज कर रही हूँ. पूरी कॉन्टोर को हम कवर कर रहे हैं, जो आई लिड है हमारी उसको हमने पूरा अच्छे से कवर किया है. बस और इसे फिर हम ब्लेंड कर रहे हैं विद ब्लेंडिंग ब्रश. तो आपको बस बहुत हल्के हाथों से सिर्फ ये जो लिड पे लाइन दिख रही है इस लाइन को ब्लेंड करेंगे ताकि
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेकअप बस लगा दिया है, ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो वो लाइन दिखती रहेगी और बहुत खराब लगता है मेकअप। तो अच्छे से इसको वेरी सॉफ्टली आप ब्लेंड कर रहे हैं। सी द इफेक्ट और क्लोजअप जाना, यू सी ओपन इट ओपन, ये इफेक्ट आता है। मुझे आप चैट बॉक्स में बताते रहे ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को ये स्टेप समझ में आ रहा है। बहुत आसान था, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ लाइन ड्रॉ की, अपनी लैश लाइन को कलर किया एंड इसके साथ एक आईब्रो की फ्लैट ब्रश लेकर हमने ब्लेंड किया। और कहाँ तक ब्लेंड किया, जो हमारी ये क्रीज लाइन बनती है, अगर आप देखें तो ये हमारी एक लाइन बनती है क्रीज, इस क्रीज लाइन के अंदर ही हम कलर को फिल कर रहे हैं, इसे बाहर नहीं जा रहे हैं। या कि हाइलाइटिंग एरियाज होते हैं जहां पे हम हाइलाइटर यूज करते हैं, ये जो क्रीज लाइन अगर किसी की बिल्ड नहीं है, नहीं दिखाई देती है, तो आप ब्राउन शेड लेके, जो हमारा कॉन्टोर पहले है उसका ब्राउन शेड लेकर उससे आप अपनी क्रीज को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्रीज तक इस कलर को फिल कर रही हूँ और फिर हमने इसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दिया। जो सिंगल कलर, इफ यू वांट मोर आप इसमें डार्क कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा भी सकते हैं। हम इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें पिगमेंट आई शेडोज यूज करने हैं। नेक्स्ट हम यूज करेंगे इसमें ये जो शेड आप देख रहे हैं स्टार डस्ट का, जिस कलर का हमने आईलाइनर लगाया बिल्कुल सेम शेड में ले रही हूँ आई शेडो का। और ये जो स्टार डस्ट आई शेडोज है, ये क्रीमी आई शेडोज है, लेकिन ये जैसे ही आप यूज करते हैं थोड़ी ही देर में ये ड्राई हो जाते हैं। तो मैं फिंगर टिप्स है ताकि इसकी जो पिगमेंट्स है वो और अच्छे से रिफ्लेक्ट हो, इसलिए इसे आप अपनी आईलिड पर ऐसे लेकर अच्छे से फिंगर से इसे अप्लाई करें। मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ, विद ग्लिटर एंड विदाउट ग्लिटर। तो थोड़ा सा इसको ट्राई होने देते हैं, तब तक हम, अगर आप इसका देखें रिजल्ट ओपन दोनों आईज, तो देखिए विदाउट लाइन आई शेडो सिर्फ लाइनर लगा के किया तो ये स्मोकी लुक आ रहा है, जैसे ही आपने ग्लिटर ऐड किया ये और ज्यादा इनहांस हो गया है, इंटेंसिटी बहुत अच्छी आ रही है, एक ड्रामेटिक लुक। जो जैसे हम ज्यादातर जब वेडिंग लुक लेते हैं, पार्टी मेकअप के लिए जाते हैं, शाम के फंक्शंस के लिए रेडी होते हैं, तो वी क्रिएट दिस स्मोकी लुक। बहुत आसान था, आपने सिर्फ लाइनर लिया, मिक्स किया और फिर आपने स्टार डस्ट, इसमें 5 शेड्स हैं, मैंने इनके अटायर के अकॉर्डिंग इनको जो शेड दिया है इट्स जिप्सी टीन। और ये देखिए विद इन अ सेकेंड ये ड्राई हो गया और मैं बस इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। और लाइन का ध्यान रखिए कि लाइन नहीं बननी चाहिए, इसीलिए आप ब्लेंडिंग ब्रश से इसको सिर्फ साइड क्रीज पर ब्लेंड करते हैं। देन अनदर आई, यस इसमें लाइनर लगाने की नीड नहीं है, तो आप लाइनर स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा स्मोकी लुक हमने क्रिएट किया है। तो फिंगर से लगाने में इंटेंसिटी जो होती है इसकी और ज्यादा आती है, अच्छे से आपको पिगमेंट्स ज्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं, तो आप री टच अप कर सकते हैं। इसमें जो दो शेड मुझे बहुत ही, वैसे तो पांचों के पांचों शेड्स बहुत प्यारे हैं, गोल्ड इज वेरी नाइस। अभी ब्राइडल मेकअप शुरू होगा, सीजन स्टार्ट होगा वेडिंग का, देन आप ब्राइडल मेकअप के लिए गोल्ड ज्यादा यूज कर सकते हैं। स्टार डस्ट आई शेडोज जो उसका सबसे पहला शेड है स्पार्कल, किसी भी अटायर के साथ आप इसे वेयर कर सकते हैं। एंड ये जो शेड मैंने यूज किया ये स्मोकी मेकअप के लिए बहुत ही नाइस शेड है। एंड इसके साथ साथ एक और शेड इसमें आता है पिंक शेड, दैट इज अगेन अ ब्यूटिफुल शेड। तो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, ट्राई ऑल द कलर्स, आई एम श्योर आपको सारे शेड बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए फाइनली हमारा जो स्मोकी लुक है, ओपन इट ओपन इट, ये हमने बिल्ड कर दिया। ठीक है,
हम चलते हैं हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ माई बटर क्रीम कंसीलर स्टिक और हाइलाइटर हम अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। तो इनकी ब्राउ को ये जो आर्च एरिया आप देख रहे हैं, ये जो है हमारी 10 बिल्कुल ये जो पार्ट है इसको हम हाईलाइट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल साइड में ले रही हूँ। तो ये क्रीमी कंसीलर स्टिक्स हैं जिनको यूज करना बहुत इजी है, किसी भी सीजन किसी भी स्किन टाइप पे हम रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी क्विक एंड इजी मेकअप, जो कोई भी जिन्हें बिल्कुल मेकअप की नॉलेज नहीं है, बिगिनर्स हैं, दे आल्सो कैन यूज दिस मेकअप। हाईलाइट करने के बाद ना अब हम अपनी आईब्रोज को ग्रूम करेंगे बिफोर मस्कारा। तो मैं ये ले रही हूँ ब्राउ पेंसिल, जिसमें आपको एक साइड मिलता है ये स्पूली, इससे आप अपनी आईब्रोज को ब्रश करते हैं। दूसरी साइड आपका ये पेंसिल, जिससे आप अपने आईब्रोज को कलर करते हैं। तो मैं यहाँ पे आईब्रो को कलर करने के लिए, इनके आईब्रोज अभी ग्रूम नहीं है, अगर आप देखें तो बहुत लाइट आईब्रो है। तो ब्राउ हेयर को हम कलर कर रहे हैं, पहले ब्रश करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे यहाँ पे हेयर्स अच्छे हैं आगे फ्रंट पे, लेकिन साइड जो मिड एरिया यहाँ से हेयर्स बहुत लाइट है, तो मैं जस्ट इसको ड्रॉ कर रही हूँ और एक शेप हम इसकी एनहांस कर रहे हैं। सो इफ यू सी हियर, ये देखिए आईब्रोज, जल्दी से कमेंट में बताइए कैसा दिख रहा है दोनों साइड। आई नो बहुत आराम से बहुत तसल्ली से आप सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो मैं अपनी मॉडल से जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है साधना। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब ये आईज अभी देखो और वो आई देखो तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। देखो आप तो दूर बैठे हैं कैमरे के उस साइड है, बट मैं अगर पास से देखू तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इनकी आईब्रोज। तो आईब्रो रियली आपको इतना चेंज कर देता है, मतलब अगर मैं बात करूँ इयर्स में तो आप 10 years यंगर दिखते हैं व्हेन यू डू योर आईब्रोज। तो जो लोग नहीं करते हैं प्लीज डू योर आईब्रोज एवरी डे, इससे आपकी ब्यूटी और अच्छी हो जाती है। अगर आप बहुत नेचुरल मेकअप करना पसंद करते हैं, लाइक आपको काजल लगाना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ लिपस्टिक लगाओ, हल्की से आईब्रोज करो, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे। सो ट्राई दिस। दूसरी आई कंप्लीट करते हैं हम। अगेन मैंने सेंटर्स में ही कलर लिया, आगे बहुत ज्यादा शेड कलर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आगे ग्रोथ है। और आप भी ये मिस्टेक ना करें कि हम क्या करते हैं बहुत आगे से ले लेते हैं, यहाँ ऑलरेडी बहुत लाइट हेयर होते हैं, आपका जो ये स्पूली है जब आप इससे ब्रश कर रहे होते हैं काफी ज्यादा कलर इसमें भी आ जाता है। तो यही से खाली ब्रश भी अगर आप चलाते हो तो आपकी फिलिंग अच्छी दिखाई देगी यहाँ पर। तो अगेन हम अपवर्ड मोशन में इसे ब्लेंड कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको पहली बार में ये ज्यादा लगे, क्योंकि ये क्रीमी पेंसिल है और पेंसिल को बहुत डीप अगर चलाती हूँ मैं तो वो ज्यादा शेड लग जाता है। तो बहुत हल्के हाथों से आपको इसे यूज करना है और ब्लेंड करना है। चलिए जी, अभी हमारी दोनों आई कंप्लीट हो चुकी है, दिस एंड दिस। अब हम नेक्स्ट यूज करेंगे मस्कारा। और ये जो पेंसिल है ये क्रीमी जरूर है बट ये मैट फिनिश है, वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ है। तो अगर आप एक बार लगा के पूरा दिन भी छोड़ देते हैं वो एज इट इज रहेगी। और सबसे अच्छी बात की ब्राउन शेड है, ब्राउन कलर हमारी किसी भी इंडियन स्किन टोन के साथ परफेक्टली मर्ज हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने आईब्रोज की है, वो बिल्कुल नेचुरल लुक मिलती है। जो लोग ब्लैक आईब्रोज करते हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ये चीजें ना करें, क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा वैसे भी आउटडेटेड हो चुका है और ब्लैक से ना वो अलग से पता चलती है कि आपने आईब्रोज की है। सो यूज ब्राउन शेड, और या फिर आप यूज कर सकते हैं अगर बहुत लाइट हेयर है, हमारी जो ब्राउ की डिफाइन किट आती है जिसमें पाउडर और वैक्स दोनों चीजें मिलती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं।
नाउ अब हम यूज करेंगे मस्कारा, तो मैं यूज कर रही हूँ हमारा अल्टीमेट लैश मस्कारा, दैट्स अ बेस्ट मस्कारा। पर एक चीज, बहुत लोगों की आदत होती है मस्कारा ऐसे निकालने की, आप मस्कारा को बस इस तरह से करें, अगर आप बहुत ऐसे से करेंगे एयर पास होती है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। सो यूज लाइक दिस, आप अगर देखें तो इसमें काफी अच्छा मॉइस्चर आ जाता है और ये एप्लीकेटर इतना फाइन है कि आपके एक एक लैश को सिंगल कलर करते हैं, उसको वॉल्यूम और आपके लैशेस को एक अच्छा लेंथ देता है, नीचे देखो, और हल्की से आपकी लैश कर्ल हो जाती है। तो आपको कर्लर की भी इसको लगाने के बाद जरूरत नहीं है, आप इसी से ही अपने लैशेस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, मोर वॉल्यूम मोर इंटेंसिटी इंटेंसिटी और आपकी लैशेस परफेक्टली कर्ल हो जाएंगे। ओके ऊपर देखो, तो अब देखें दोनों आए। यस, ये जेल बेस्ड है, लाइट वेट है और साथ ही साथ स्मच प्रूफ है, बहुत आसानी से जिन्हें बिल्कुल लगाने था। और एक अच्छी टिप, अगर आप खुद का मेकअप करते हैं पर्सनल, एक छोटा सा मिरर, हैंड मिरर रखें अपने पास, जितना आप क्लोज जाएंगे नीचे की तरफ देख के मस्कारा अप्लाई करते हैं, मस्कारा बहुत अच्छे से लगता है और आपकी आंखों को वो हर्ट भी नहीं करेगा। कई बार होता है हम जल्दी जल्दी में अपनी आंखों को हर्ट कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे देखो, नीचे तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती हूँ मस्कारा के लिए, क्योंकि मुझे लैशेस को ब्यूटीफुल बनाना बहुत अच्छा लगता है, और जितनी आपके लैशेस ब्यूटीफाई होंगी आपकी आईज उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, नेचुरली वो बहुत अच्छे से एनहांस होती है। तो गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू योर आईब्रोज। साधना कहाँ जाने वाली हूँ मेकअप के बाद, अब तो आपको बेस्ट चीज मिल गया, बेस्ट डे है, ट्रेनिंग भी मिल गई ऑनलाइन, आप मॉडल भी बन गए और इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के सामने आपका मेकअप हो रहा है। मैम बेस्ट बेस्ट चीज तो मिली, बस बेस्ट लोगों से मिली वो बहुत बड़ी बात है। पहले हम यूज कर रहे हैं काजल, लुकअप। तो जब आप काजल लगाते हैं आप अपनी वॉटर लाइन को कलर करें अच्छे से। हमारी जो वॉटर लाइन है, हम ज्यादातर काजल जब लगाते हैं तो सिर्फ नीचे वाली वॉटर लाइन को ही कलर करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके आईज और बिगर लगे, तो जैसे हमने नीचे की वॉटर लाइन को कलर किया है वैसे ही आप अपनी ऊपर क्लोज इस तरह से आप अपनी अपर वॉटर लाइन को भी कलर करके इसको और ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं। क्लोज नाउ जो हमने आई शैडो यूज किया है एंड कलर्ड पेंसिल, मैं इस पेंसिल से इनकी जो नीचे की वॉटर लाइन के नीचे की स्किन है लैश लाइन को देखो, यहाँ पे साइड में ले लू ये कलर और हल्का सा हम स्मोकी लुक देंगे। देखिए दोनों आए, करेंगे हमारा लिप मेकअप। सबसे पहले कंटूरिंग कर लेते हैं फेस की, तो फिर से मैं ले रही हूँ हमारा कंसीलर स्टिक शेड नंबर 4 आमंड। दस इसको कंटूरिंग के लिए कैसे यूज़ करें, लास्ट टाइम जब मैंने अपना सेल्फ मेकअप किया था आपको दिखाया था पाउडर कंटूरिंग कैसे होती है। सो पाउडर कंटूरिंग इज वेरी इजी, जो बिल्कुल बिगनर्स है जिन्हें थोड़ा सा चैलेंज आता है, तो आप एक कॉन्टोर ब्रश ली, कॉन्टोर ब्रश से आपको ये जो साइड है हमारा, जैसे ये जो साइड आप देख रहे हैं ये हम कॉन्टोर करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है ताकि हम एक शेप दे सके। अभी हम देखे फेस, तो फेस छोटा है बट उसको एक शेप कैसे देनी है लेट्स सी। तो जब भी आप लगाते हैं आपकी ब्राउ की जो एंड है उसका जस्ट सेंटर, ये जो होलो है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ब्राउ का एंड सेंटर स्ट्रेट लाइन,
बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत नीचे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया और इसको ऐसे अप्लाई किया। इसके बाद हम नीचे जो ये जॉ लाइन है इसको और शार्प करने के लिए वी यूज दिस शेड। कैसे ब्लेंड करेंगे, तो आप ब्लेंडर ले जो बहुत आसान है, इजीली आपका मेकअप इससे ब्लेंड हो जाएगा। और मैं इसको ब्लेंड करते हुए अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से कर रही हूँ, वेरी लाइट, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, ये बहुत इजीली आपका प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाएगा। हम देन सिमिलरली हम इस एरिया को ध्यान रखें कि बिल्कुल लाइन नहीं दिखनी चाहिए। कई बार क्या होता है जब हम मेकअप करते हैं तो वो लाइन विजिबल होती है, सो वो लाइन ना दिखे। और इसके बाद हम इसमें लेंगे लाइट शेड, शेड नंबर 1 बटर क्रीम। सबसे पहले लास्ट वाला शेड लिया नंबर 4 और फिर इसके बाद में ले रही हूँ नंबर 1 दिस, और इसे भी हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। ये हमारा हाइलाइटर एरिया जहां पे मैंने क्रीमी जो कंसीलर स्टिक है उससे हाइलाइट किया है। जस्ट आप डैब डैब करके करें, पूरा प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ओके, अगर मैं सामने से फेस दिखाऊं आपको, 7% इफ यू सी जो ये साइड है, दिस एंड दिस, दोनों में डिफरेंसेस क्या लग रहे हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। कॉन्टोर हाइलाइटर हमने किया है, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आया है? साधना आप देखो अपना फेस, बहुत ज्यादा चेंज हर्षा जी लग तो बहुत एक्टिव है, मेरा चैट बॉक्स फेस लिफ्ट हो गया है। ओके, यस एग्जैक्टली, अगर ये साइड आप देखें तो इसमें एक शेप दिखाई दे रही है, करेक्ट? वो एक जो कट दिखना चाहिए, एक जो शेप आनी चाहिए वो दिखाई दे रहा है। वेर ये वाला जो साइड है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। तो एक फेस थोड़ा सा पतला और एक हल्की सी शार्पनेस आ गई है। तो चलिए दूसरी साइड भी कवर करते हैं, मतलब ऑडियंस बहुत एक्टिवली मुझे देख रही है, दैट्स वंडरफुल, पूरी एनर्जी आज आ गई है, इतनी अच्छी ऑडियंस मुझे मिली आज, रियली बहुत एक्टिव होकर पूरा सेशन अटेंड कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे ही अच्छे से एक्टिव होकर करते रहोगे सेशन, तो हम नए 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 मेकअप टिप्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आप अपने जो मेकअप का बिजनेस है, क्योंकि अर्बन कलर कैटेगरी में आपको 60% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और वो बिजनेस वॉल्यूम अर्न करने के लिए प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना, उसे शेयर करना बहुत जरूरी है। और इस महीने बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, बिल्कुल लर्निंग इज अर्निंग। अगर लर्निंग नहीं होगी तो मेकअप यूज नहीं होगा, मेकअप यूज नहीं होगा तो फिर वो हम सजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और मेकअप में तो ये बात सुनी ही होगी, जो दिखता है वो दिखता है, जितना आप लगाओगे, जितना लोग देखेंगे उतना वो ज्यादा प्रमोट होगा। सो यहाँ पे हमने चीक्स एरियाज को एंड जॉ लाइन को शार्प किया है, इनके फोरहेड को ज्यादा नीड नहीं है अभी, तो मैं फोरहेड पे ज्यादा नहीं कर रही हूँ प्रोडक्ट यूज। नोज पे आप, अगर आपको लगे तो आप नोज पे भी कर सकते हैं, हल्की सी उसे शार्प लुक देने के लिए, लाइक दिस। ये हमारे हाइलाइटिंग एरियाज हैं जहां पे मैं प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ। हम कहते हैं हमारा क्यूपिड बो, लिपस्टिक लगाने से पहले आप यहाँ भी थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड करें ताकि एक अच्छी शेप आ सके। बस नाउ हम ऐड करेंगे पाउडर थोड़ा स्किन को मैटिफाई कर सके।
फील यहाँ भी हम नीड अगर है तो कंट्रोलिंग हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट लिया और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जस्ट दिस मच, देखिए इससे भी काफी फर्क आ गया इससे। ये ना अब हम अप्लाई करेंगे लिप कलर। मैं ले रही हूँ लिप लाइनर। वैसे हमने डार्क शेड यूज किया है, आई शेड हमने डार्क किया है। हम न्यूड मेकअप के साथ इसको क्लोज करेंगे, तो मैं यूज कर रही हूँ न्यूड लिप्स लाइनर। पर कैमरे पे इसकी विजिबिलिटी होगी नहीं, तो थोड़ा सा डार्क शेड लेते हैं। पहले आप इस तरह से अपनी लिप्स को शेप दें। आपके लिप्स अगर बहुत छोटे हैं आप उसको थोड़ा सा ब्राइट इनहांस करें ताकि एक नाइस शेप आप क्रिएट करें एंड देन इसको फिल कर दें। ये जो लिप लाइनर मैं यूज कर रही हूँ इससे आप लिपस्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे इसकी जो फिलिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये पेंसिल्स हैं, बट अगर आप देखें बहुत स्मूथली इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ज्यादातर लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर से ही फिल करती हूँ अपने लिप्स को, ताकि जो भी शेड मैं यूज कर रही हूँ वो और ज्यादा अच्छे से उभर कर आए। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमारी न्यू लिपस्टिक्स आई है, इरेसिस्टिबल लिपस्टिक, जिसको ये मैट लिप कलर्स है। तो इसमें मैं शेड ले रही हूँ शेड नंबर 8, बहुत ही प्यारा शेड है यस गर्ल। इसके दो चार कलर्स तो इतने अमेजिंग है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं। अभी ब्राइडल वेडिंग सीजन में करवा चौथ के टाइम पर बहुत सारी लेडीज मरून लिपस्टिक ज्यादा पसंद करती हैं, तो इसका शेड नंबर 7 बॉसी आप लिख सकते हो, शेड नंबर 7। इट्स अ वेरी नाइस मरून शेड। और अभी मैं ले रही हूँ पिंक कलर। ये जो लिपस्टिक है ये अगर इसकी फिनिश देखें तो ये बहुत क्रीमी और वेलवेटी मैट जैसी फिनिश है इसकी। मतलब जिन्हें मैट भी लिपस्टिक पसंद है और उसके साथ साथ आपके लिप्स ड्राई भी ना लगे आपको, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मैंने जब अभी रिसेंटली इसको यूज करना स्टार्ट किया, जब से लॉन्च हुआ है, आई पर्सनली लव दीज ऑल दी शेड्स, जो बहुत स्मूथ है, बहुत ज्यादा मैट भी है, शाइन नहीं होती है, क्योंकि आप पूरा दिन शाइन लिपस्टिक्स नहीं कैरी करना पसंद करते, मैट लिपस्टिक रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। विंटर्स आने वाले हैं, विंटर्स में मैट नहीं यूज करते, पर अगर आपके पास इरेस्टेबल लिपस्टिक है तो आप मैट भी यूज कर सकते हैं। ट्राई ऑल दीज कलर्स। तो ये था हमारा लिप लाइनर लिप कलर। नाउ फाइनली हम ऐड करेंगे अब इसमें थोड़ा सा ग्लैमर। मैं ले रही हूँ हमारी इल्यूमिनेटिंग लोशन, और इल्यूमिनेटिंग लोशन को मैं फिंगर टिप से ही यूज करूंगी। और ये कहाँ पे हम यूज करेंगे? अच्छा, एक चीज हमने इसमें ऐड नहीं की है अभी, जिनके पास ब्लशर है बहुत बढ़िया, ब्लशर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो वी हैव दिस लव मी मैट लिपस्टिक, तो इसका मैं शेड ले रही हूँ नंबर 7, दिस रोज मैटिक, बहुत ही प्यारा शेड है। और इससे हम अपने फेस पर जहां मैंने हाइलाइटिंग और कॉन्टोरिंग किए जस्ट उसके सेंटर में से लिया शेड, और इसे आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। ये कितना बढ़िया टूल है, ब्रश की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप इस तरह से अपना ब्रशर यूज कर सकते हैं। जो हाइलाइटर कॉन्टोर किया उसके जस्ट सेंटर में,
थोड़ा सा इनके नोज को भी रोजी रोजी कर देते हैं। तो येलो टोन वाले होते हैं स्किन, उसमें येलोनेस बहुत ज्यादा विजिबल होती है। तो आप इस तरह से अपने रोज लुक्स के साथ तो लिपस्टिक का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ हम ऐड करेंगे इल्यूमिनेटिंग लोशन। तो मैं यहाँ पे नोज पर जो हमारे हाइलाइटिंग एरियाज है, इल्यूमिनेटिंग लोशन जैसे मैंने देखा है बहुत बार यूज किया है, फाउंडेशन में मिक्स करके यूज किया, इससे आपका जो ग्लो है फेस पे, कई बार होता है हमारी स्किन बहुत डल होती है, पैची होती है, तो मेकअप कई बार इतना करने के बाद भी वो जो ग्लोइंग बेनिफिट होता है वो दिखाई नहीं देता। तो इल्यूमिनेटिंग लोशन एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे फाउंडेशन में मिलाएं, बीबी क्रीम में मिलाएं, हाइड्रा मैट में मिक्स करके यूज करें। अगर नहीं भी फाउंडेशन लगाना है तो आप इसको क्रीम में मिला के लगा सकते हो, जिससे एक और अच्छा ग्लो आपके चेहरे पे आता है। और इस तरह से लास्ट में आप इसे हाइलाइटिंग के लिए अपने फेस पे यूज कर सकते। फाइनली वी आर डन विद आवर मेकअप। थोड़ा सा हेयर को चेंज करते हैं हेयर स्टाइल। अच्छा बस आपके सो माय मॉडल इज रेडी, फाइनली आपके सामने है पूरा मेकअप। कुछ सवाल आए हैं, चलिए मैं कुछ मीन वाइल ले लेती हूँ। पहले ये बताइए मेकअप कैसा लगा, बिफोर एंड आफ्टर? साधना आपने ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लुक्स, थैंक यू सो मच। सो थैंक ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग है। यू थैंक यू। मतलब विजुअल हो रहा है, प्रॉपर है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन बैठे हैं, कैमरे में बहुत मुश्किल होता है मेकअप दिखाना, बट आप सबने मेकअप को अच्छे से सीखा होगा। आई एम श्योर एक एक स्टेप बहुत क्लियर हुआ है, अमेजिंग। मतलब आपके कमेंट से मुझे लग रहा है मैंने अच्छा काम किया आज। ग्रेट ग्रेट, तो थैंक यू सो मच। हर बार अपने ऊपर करती थी तो समझ में नहीं आता था, इस बार मॉडल पे किया है तो आई कैन सी दैट लुक डिफरेंट। सो ग्रेट ग्रेट, थैंक यू एवरी वन फॉर योर लवली कॉमेंट्स एंड थैंक यू साधना। मैं ये कहना चाहूंगी, एक चीज बोलना चाहेंगी, अभी जब तक हमने मतलब मेकअप करवाया है, शायद मतलब 2-3 बार जो भी करवाया होगा, शादी में भी फंक्शन में भी करवाया है, बट इट्स मेकअप मतलब अमेजिंग, मतलब हम बता नहीं सकते, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच साधना। सो यू कैन टेक अ सीट और मैं अपनी ऑडियंस के पास दोबारा चली जाती हूँ। चलिए, कुछ सवाल है आपके, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो गाइज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। वी हैव ओनली 2 मिनट्स, मेरी ट्रेन है, जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम डू इट ऑन योर सेल्फ। अच्छा, मैं अपने ऊपर करूंगी, चलिए ठीक है, मैं कर दूंगी आपके लिए। अगर फाउंडेशन हेयर में लग जाता है तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस ये कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छे करें, कोशिश करें जब आपके हेयर्स हैं तो आप हेयर लाइंस को हटाकर साइड करके देन यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट्स। बीबी क्रीम कब यूज करें? जैसे हमने फाउंडेशन यूज किया है उस समय आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते तो आप बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं। बीबी क्रीम और फाउंडेशन में डिफरेंस बस इतना है कि बीबी क्रीम आपको एक लाइट कवरेज देता है। जिनको नेचुरल मेकअप पसंद है वो बीबी क्रीम्स लगाते हैं, और जिनको थोड़ी कवरेज अच्छी चाहिए, जैसे अगर आप फाउंडेशन में देखें तो वी हैव हाइड्रा मैट, और इसके साथ साथ हमारे पास एक्सपर्ट फॉर्म फाउंडेशन है, तो एक्सपर्ट फॉर्म भी आप रख सकते हैं। आजकल मेरा तो फेवरेट बना है कंसीलर स्टिक, तो मैं इसके अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढती नहीं हूँ। तो ये मैट फिनिश के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा मेकअप है कॉम्बिनेशन। इस सीजन की बात करें और जिनकी मेच्योर स्किन है, ड्राई स्किन है, एज लाइंस दिखाई दे रही हैं, आप वहां पे एक्सपर्ट फॉर्म एंड लिप फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। और अगर मेरी तरह जल्दी जल्दी वाला मेकअप करना है तो कंसीलर स्टिक है, ऑलवेज सब चीजों का एक सोल्यूशन है। ठीक है, विटी स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन सजेस्ट करें? हाइड्रा फाउंडेशन में, सो हाइड्रा मैट फाउंडेशन में आप यूज कर सकते हैं पेल बिस्कोटे नंबर 1, दैट्स अ वेरी नाइस शेड।
और अगर थोड़ा सा डार्कर साइड जाए डस्की कॉम्प्लेक्शन में गोल्ड लाटे नंबर 2। तो पर्सनली अगर मैं देखती हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करूँ, ज्यादातर लोगों को नंबर 1 पेल बिस्कॉट है बहुत अच्छा सूट करेगा। ओके चलिए, तो थैंक यू एवरीवन। मेरी किट में क्या है वो भी दिखाना है, बहुत कुछ लगा रखा है, बट आज लैपटॉप कैमरा ऑन है तो इसलिए सारी चीजें नहीं दिखा पाऊंगी। बहुत कुछ लगाया, मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगी। ओके जी चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू पिंकी जी। सच बताऊं ना तो आज जिस तरह से आपने मेकअप किया है ना, तो मेरा तो अभी ऑर्डर लगाने का मन कर ये कि सारे प्रोडक्ट लगा लो। सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं मंगाऊं और उसको मैं यूज कर। थैंक यू सच सो मच। वंडरफुल सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सीख साथ में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं। एग्जैक्टली थैंक यू मैम वंस अगेन। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि कल मैम, नीता मैम मन एक सेकेंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट 2 मिनट्स लूंगी मैं आप सबके। सो लीडर्स, देखिए इस महीने बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स आया। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको हेल्प करूंगी। जो हमारी अभी सितंबर मंथ के अर्बन कलर लंदन ऑफर्स चल रहे हैं, एनी आइडिया 1599 की शॉपिंग पे आपको क्या फ्री मिल रहा है? एनी आइडिया, जल्दी से बताइए, एनी गेसेस? अगर आप 100% यूजर है तो आई एम श्योर आप ऑफर्स जरूर लेते होंगे। कैल्शियम है, वाइटामिन सी है, करेक्ट। सो वी हैव वाइटामिन सी ऑन ऑफर्स। मैं वाइटामिन सी को पर्सनली ज्यादा प्रमोट करती हूँ, क्योंकि देखो जो ब्यूटी है ना, आपने एक्सटर्नल देख लिया बट इंटरनल ब्यूटी के लिए वाइटामिन सी डाइट में होना बहुत जरूरी है। सो वाइटामिन सी की जो च्यूएबल टैबलेट्स है, जिसे आप दिन में जब भी चाहें तब खा सकते हैं, ये च्यू करनी है, चूसना है इसको, और अपनी बॉडी को वाइटामिन सी दे सकते हैं। और हम सब जानते हैं वाइटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए। बाल झड़ रहे हैं उसके लिए आप ले सकते हो, आप स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए वाइटामिन सी ले सकते हो। तो मैं क्यों वाइटामिन सी प्रमोट कर रही हूँ, उसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। वाइटामिन सी की जो पूरा पैक है उसमें आपको 60 टैबलेट्स मिलती हैं, मतलब 60 च्यूबल टैबलेट्स मिलती हैं। तो अगर मैं इस फ्री प्रोडक्ट को, अगर मैं बायर हूँ और मैं मोदी केयन हूँ और मुझे बिजनेस करना है, तो वाइटामिन सी की च्यूबल टैबलेट को अगर 60 लोगों को मैं ये टेस्ट एंड ट्रायल करवा दूँ, ये टिप आपके लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैंने जो कैलकुलेशन निकाली है कि अगर मैं 60 टैबलेट 60 लोगों को टेस्ट टेस्ट करा के उसका ऑर्डर बिल्ड कर लूं, मतलब 60 च्यूबल टैबलेट के ऑर्डर करवाती हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट कितना बिजनेस का फायदा होगा? एनी गेसेस? 60 टैबलेट का एक पैक आता है ₹430 डीपी प्राइस। तो अगर मैंने 60 लोगों को इस डेमो प्रोडक्ट की हेल्प से, फ्री प्रोडक्ट की हेल्प से 60 लोगों को ये पैक ऑर्डर करवा दिया, 430 × 60 हो गया ₹25,800। एक फ्री प्रोडक्ट से 25,000 का ऑलमोस्ट बिजनेस आप लेकर आ सकते हो, सिर्फ एक फ्री प्रोडक्ट से। थिंक अबाउट दिस। अगर बिजनेस बढ़ाना है, टाइटल बढ़ाना है, पीबी बढ़ाना है, थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करना है, ड्रीम्स अचीव करने हैं, तो ये जो ऑफर्स कंपनी निकालती है, इन ऑफर्स को सेल्फ यूज ना करते हुए, बल्कि अगर मैं डेमो में यूटिलाइज कर लूं, तो सोचिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ बढ़ के जा सकता है। तो ये फ्री प्रोडक्ट्स का मकसद ही ये होता है कि आप इनको डेमोज में यूज करें, इनको लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप वहां से ऑर्डर बिल्ड कर सके। जब काजल ऑफर में आए तो काजल को करम, एक काजल भी अगर आप टेस्टर किट लेते हो और 300 लोग भी यूज कर लेते, क्योंकि काजल आराम से चलता है, 30 नहीं, चलो 50 को भी दे दिया, 550 × 300, 15,000 का बिजनेस बैठे बैठे फ्री प्रोडक्ट से मिल जाता है। सो आप इस तरीके से अपने ऑर्डर को प्लेस करें। ओके, सो दैट्स अ टिप फॉर योर बिजनेस। आई होप दिस टिप विल हेल्प यू टू बिल्ड योर बिजनेस, टू बिल्ड योर 1599 का ऑर्डर, और उनको भी च्यूएबल टैबलेट फ्री मिले, और इस तरह अपनी टीम को आप बिल्ड कर सकें। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू पिंकी जी, सच ए वंडरफुल टिप। देखिए बाहर से सुंदर लगना है, अंदर से तो फ्री प्रोडक्ट आपको सुंदर बना ही रहा है और साथ ही साथ वो बिजनेस भी ला रहा है, तो इससे ज्यादा खूबसूरत तो बात कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों देखिए आज इसी के साथ हम इस इवेंट को क्लोज करेंगे, बट मैं आपको याद दिला दूं कल की मीटिंग के बारे में, जो मनीष जी की टीम लेके आ रही है सक्सेस के मूल मंत्र। देखिए हम सभी लाइफ में अपने सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो दोस्तों एक अलार्म सेट कर लीजिए कल सक्सेस की जर्नी पे चढ़ने के लिए, एक बार फिर से उन चीजों को रिवाइज करने के लिए, उन चीजों को रिमाइंड करने के लिए।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग.